बुलंदशहर के पहासू थाना पुलिस को चेकिंग के दौरान मिली बड़ी सफलता। शराब के ठेके से लूट की घटना में वांछित चल रहे दो बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। चाटोला नहर पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवारों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवारों ने पुलिस पर शुरू कर दी फायरिंग। पुलिस ने अपने बचाव हेतु बदमाशों पर की फायरिंग। पुलिस फायरिंग के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। घायल बदमाशों को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया भर्ती। पहासू थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घायल बदमाशों से एक बाइक, 3 मोबाइल, 2 तमंचा, 5 जिंदा कारतूस किए बरामद। थाना पहासू क्षेत्र अंतर्गत 28 अप्रैल की रात में एक इंग्लिश वाइन शॉप पर, देसी वाइन शॉप और बियर शॉप पर लूट की घटना हुई थी, जिस पर समुचित धाराओं में FIR दर्ज की गई थी और SSP बुलंदशहर महोदय के निर्देश पर इस घटना के खुलासे के लिए 3 टीमें लगी हुई थी, जिसमें CO शिकारपुर के नेतृत्व में SHO पहासू की टीम कार्य कर रही थी। इसके अतिरिक्त जनपदीय SWAT एवं सर्विलांस की टीम भी लगी थी। बीती रात ये चेकिंग में मामूर थी, वहाँ पर चटौला गाँव के पास वहाँ पर एक नहर थी। चेकिंग के दौरान ये चार बदमाश दो मोटरसाइकिलों पर आते दिखाई पड़े, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया और जिनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। क्रॉस फायरिंग के दौरान दो बदमाशों के पैरों में गोली लगी और मौके से दो बदमाश भाग गए। दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से 315 बोर के 2 देशी तमंचे बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 5 जिंदा कारतूस और 4 खोखे कारतूस, इसके अलावा 32,000 के लगभग रुपये बरामद किए गए हैं। साथ ही लूट में मोबाइल जो लूटे गए थे वो बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त एक बाइक भी बरामद हुई है जो उनके द्वारा चोरी की बताई जा रही है। पुलिस द्वारा जांच पड़ताल और छानबीन और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।